वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं स्वीटनेस। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं आर्टिफिशियल स्वीटनेस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्वीटनेस मतलब क्या। तो स्वीटनेस जो होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनेस जो है, दे हैव अ स्वीट टेस्ट लाइक अ शुगर एंड दे गिव्स अ सेंसेशन ऑफ दिस स्वीटनेस। ओके, सो दीज आर जस्ट द केमिकल्स, ओके, दैट इज गिव्स अ सेंसेशन ऑफ स्वीटनेस। ओके, अब इसका मतलब क्या कि ये स्वीटनर है, शुगर जैसे है, ये शुगर नहीं है। इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, जो कि आपको मैं अभी जैसे आगे हम जाते हैं इसके स्ट्रक्चर भी देखते हैं। तो ये स्वीटनर जो है जस्ट सेंसेशन देते हैं स्वीटनेस की, ये कोई शुगर नहीं है। ओके, ये आर्टिफिशियल हम इसे स्वीटनर बोल रहे हैं, जिसका जो टेस्ट है वो शुगर जैसा है, जस्ट टेस्ट, समझ रहे हो आप, बस टेस्ट है। इसमें कोई कैलोरीज नहीं है, इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है। ओके, तो ये कुछ नहीं है, बस हमारे जो टंग है या हमारे जो ब्रेन है, इसकी जो टेस्ट है उस बस स्वीट है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। ओके, इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनेस या स्वीटनेस। ओके, तो ये केमिकल कंपाउंड है, कोई इससे शुगर एनर्जी नहीं प्रोवाइड होती है, ये मेटाबोलाइज भी नहीं होते, हमारी बॉडी से ब्रेक डाउन भी नहीं करती है, कुछ नहीं, ये जस्ट सेंसेशन देते हैं स्वीटनेस का। ओके, अब यहाँ पर जो है स्वीटनर, ओके, तो ये जो है नॉन न्यूट्रिटिव, जैसे मैं बोल रहा हूँ नॉन न्यूट्रिटिव, नॉन, ये इंक्रीज भी नहीं करते, ब्लड शुगर लेवल जो है इंक्रीज नहीं होते, क्योंकि ये नॉन न्यूट्रिटिव है, ये कोई, ये जस्ट केमिकल है, ये कोई शुगर नहीं है। जैसे हमारे शुगर होती है वो ब्रेक डाउन होती है, तो वैसा कुछ नहीं है। कार्बोहाइड्रेट फिर, ये कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये केमिकल कंपाउंड है। ओके, उसके बाद में इसके अगर एग्जाम्पल हम देखें तो इसमें आते हैं सैकेरिन, ओके, जो कि आपने सुना होगा सैकेरिन, उसके बाद में एस्पर्टेम, और इसे कहते हैं न्यूट्रास्वीट एज अ ट्रेडमार्क, उसके बाद में है साइक्लोमेट्स। ओके, तो साइक्लोमेट्स है। अब देखते हैं कि ये जो स्वीटनर्स है होते हैं, तो ये होते हैं 200 times, ओके, 500 times, 200 times, 1000 times स्वीट होते हैं देन द अवर सुक्रोज और शुगर दैट वी यूज इन अवर हाउस होल्ड। ओके, मान लें वन बाय वन ये जो स्वीटनर्स है, इनकी जो ये नॉन, ये सोल्यूबल है या नहीं, हीट सोल्यूबल है या नहीं, उसके बाद में हम देखेंगे कि ये कितने टाइम स्वीटर है देन द शुगर, उसके बाद में ये कैसे डिस्कवर हुए। ओके, तो ये हम देखने वाले हैं। नंबर ऑफ अबाउट 6 जो है वो स्वीटनर्स है एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है। ओके, तो सबसे पहला जो स्वीटनर है वो सैकेरिन। अब ये जो सैकेरिन है ना, ये सैकेरिन है आर्टिफिशियल शुगर है। अब ये सबसे ओल्डेस्ट है, और ये जो है इसकी जो डिस्कवरी है वो 19th century में हुई थी फर्स्ट टाइम, और ये एक्सीडेंटली हुआ था। ओके, वो जो फार्मा, वो जो केमिस्ट था, ओके, तो वो फार्माक्यूटिकल्स या जो केमिस्ट था, तो उस केमिस्ट ने या उस साइंटिस्ट ने इसे बस टेस्ट किया था, तो इसे टेस्ट करने वक्त उसे वो स्वीट लगा, तो जस्ट उसे स्वीट लगा, और वहां से फिर इस सैकेरिन की क्या हुई, यस, ये सैकेरिन डिस्कवर हुआ, सडनली एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था, वो करने कुछ गया था एक्सपेरिमेंट, लेकिन ये फॉर्म हो गया सैकेरिन। ओके, मगर उसके बाद में जो नेक्स्ट हमें मिला वो है 1965 में एस्पार्टेम। तो ये जो एस्पार्टेम है ना, ये नेक्स्ट है जो कि डिस्कवर किया था जेम्स स्लैटर ने। ओके, जेम्स स्लैटर, तो ये जो जेम्स स्लैटर है, इसने क्या किया था, टेस्ट द कंपाउंड, इसने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था टू डिस्कवर व्हाट गैस्ट्रिक हार्मोन इनहिबिटर और द अल्सर ड्रग जो है वो डिस्कवर कर रहा था। तो उस टाइम पे इसको एक कंपाउंड मिला वहां पर, उस कंपाउंड की जो, इसने जब टेस्ट किया उस कंपाउंड को, तो वो कंपाउंड जो है उसकी टेस्ट स्वीट थी। ओके, तो उसको नाम उसने दिया एस्पार्टेम। ओके, ये नाम एक्चुअली ये शॉर्ट फॉर्म है, पूरा जो नाम है इन स्वीटनर्स का उसकी मैं लिस्ट आपको सामने दिखा देता हूँ, तो वो लिस्ट, वो उनके पूरे नाम है, लेकिन उसे शॉर्टकट में हम बोलते हैं एस्पार्टेम। वैसे ये डिस्कवर हो गया। ओके, अब हम देखते हैं इसकी जो एस्पार्टेम है, तो ये एस्पार्टेम नो कैलोरिक इंटेक हो गए, कोई न्यूट्रिशियस नहीं है, कैलोरी जीरो है, इससे अगर हम कंज्यूम करते तो इससे एनर्जी नहीं होती है, ये मेटाबोलाइज भी नहीं होता है, इसका जो मैक्सिमम इसका ही यूज होता है, एस्पार्टेम का मैक्सिमम यूज होता है, क्योंकि सैकेरिन जो है इसका पहले यूज होता था, लेकिन अभी भी यूज हो रहा है, लेकिन ये जो है अगर हम एक्सेस में लेते हैं तो इसके कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होने की वजह से
इसे कम यूज में किया जाता है, उसकी जो टेस्ट है थोड़ी बिटर हो जाती जाती है, थोड़ा ही हमें कड़वा लगता है, इसलिए सैकरीन जो है उसे हम कम यूज करते हैं। अभी जो यूज हो रहा है वो है एस्पार्टेम। ओके, तो ये जो एस्पार्टेम है ये मैक्सिमम यूज हो रहा है फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स के अंदर। ओके, ये इनस्टेबल है टू द हीट एंड द व्हाट एसिड, इनस्टेबल है, ठीक है। तो ये है एस्पार्टेम। उसके बाद में है, और ये जो है अबाउट 200 टाइम्स ओके स्वीटर है देन द शुगर से। ओके, नेक्स्ट है एसी सल्फेम के। ये जो एसी सल्फेम के जो है ये भी एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इसकी जो रेंज है या कितना स्वीट है, 200 टाइम्स स्वीट है देन द व्हाट सुक्रोज देन द शुगर। ओके, कैलोरी जो है यहाँ पर फिर से जीरो है। और ये जो है यूज इन अ ड्राई मिक्सचर, ओके, इन द टेबल यूजेस में होता है, एंड च्युइंग गम जो है, च्युइंग गम हमारे, तो च्युइंग गम के अंदर हम यूज करते हैं एसी सल्फामेट की। ओके, और ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है इसका। ओके, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मतलब ये जो है अगर हम कम में भी यूज करते हैं तो वेरी लेस इज रिक्वायर्ड। ओके, इसका किसी फूड प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, बहुत सारा फूड मटेरियल है, अगर उसे हमें स्वीट करना है, स्वीट टेस्ट देनी है, तो उसमें अगर हमें 1 ग्राम भी डाल देते या 10 ग्राम भी डाल देते तो बहुत हो जाता है। इन कंपेरिजन टू द 100 kg ऑफ द शुगर, अगर इसे 10 ग्राम भी डाल दिया तो बहुत हो गया। तो ये इसका, इसे कहते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। अब है सुक्रालोज। ये जो सुक्रालोज है, तो ये सुक्रालोज है, इसके भी 0 कैलोरीज है। ओके, ये व्हाट 400 to 800 टाइम स्वीट है। ओके, ये स्टेबल टू हीट एंड वाटर सोल्यूबल है। कौन है? सुक्रालोज। अब हम देखते हैं एलिटैम। अब जो एलिटैम है ये बेस्ड ऑन अमीनो एसिड और 200 टाइम्स स्वीटर है देन द सुक्रोज, और इसका 1 ग्राम जो है वो रिप्लेस करेगा 1 kg ऑफ द शुगर। ओके, नेक्स्ट है अभी ये जो है स्वीट टेस्ट एंड क्लीन टेस्ट है इसकी। ओके, कोई बिटर टेस्ट नहीं है, एकदम स्वीट और क्लीन टेस्ट है इसके। नेक्स्ट है सैकरिन। सैकरिन जो है ओल्डेस्ट स्वीटनर से 19th century में डिस्कवर हुआ था। ओके, अब जो सैकरिन है ये 300 टाइम्स स्वीटर देन द शुगर। ओके, एंड मैसिव डोजेस में अगर लेते हैं तो मैंने कहा इससे कैंसर प्रोड्यूस होता है, ये कार्सिनोजेनिक है, तो इससे ज्यादा यूज अभी हो रहा है एस्पार्टेम का। ओके, अब उसके बाद जो है ये ओल्डेस्ट है, इतना ही इसके बारे में। और है अभी साइक्लामेट। ये जो साइक्लामेट है ये 30 टाइम्स स्वीटर देन द सुक्रोज, एंड माइनर स्वीटनर से ज्यादा, बहुत ही इसकी कम टाइम्स स्वीटर है। ओके, ये जो है साइक्लामेट ये डिराइव्ड होता है नेचुरल सोर्स से डिराइव होता है। ये स्वीटनर है। ओके, अब ये जो है नेचुरल सोर्स से, जैसे कि यहाँ पर प्लांट्स है, मोस्टली अमेरिकन जो प्लांट है, ओके, स्टीवियोसाइड, ओके, स्टीवियोसाइड से डिराइव होता है, जो कि है अमेरिकन प्लांट। अब है ग्लाइसीराइजिन, ये जो है फ्रॉम द रूट्स ऑफ द ट्री। ओके, तो उससे ये डिराइव होता है। उसके बाद में यहाँ पे थोमैटिन प्रोटीन फ्रॉम द वेस्ट अफ्रीकन फ्रूट जो है इस मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इनवर्ट शुगर, ये लास्ट पॉइंट है इनवर्ट शुगर। तो दिस इज अबाउट द स्वीटनेस। ओके, तो ये है आर्टिफिशियल स्वीटनर, पहला है एस्पार्टेम, दूसरा है हमारा एसी सल्फेम के, तीसरा है सुक्रालोज, चौथा है एलिटेम जो कि सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट है, उसके बाद में सैकरिन, उसके बाद साइक्लामेट। अब हम देखने वाले इनवर्ट शुगर। तो इनवर्ट शुगर ये क्या है एक्चुअली, तो अगर हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं बाय द एंजाइम का यूज करके या एसिड का यूज करके, अगर हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे हमें मिलता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ओके, अब जब यह हाइड्रोलिसिस होता है या जब सुक्रोज जो है वो हाइड्रोलिसिस होता है या ब्रेक डाउन होता है, उस टाइम पे या रोटेशन ऑफ पोलराइजेशन ये चेंज हो जाता है, द सॉल्यूशन चेंज द रोटेशन ऑफ पोलराइजेशन ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस, और इसलिए इसे क्या कहते हैं, इनवर्ट शुगर। तो ये जो सुक्रोज जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो इनवर्ट हो रहा है इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ओके, इसे हम कहते हैं इनवर्ट शुगर। अब फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स है जिसके अंदर अगर ऑलरेडी एसिड कंटेंट है
तो वो उसके अंदर भी क्या होता है, इन्वर्ट शुगर, मतलब उसके अंदर भी क्या होगा, कन्वर्ट होगा सुक्रोज इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जो है वो क्या होगा, इन्वर्ट होगा ड्यू टू द एक्शन ऑफ द हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या ड्यूरिंग द हीटिंग के वक्त वो जो प्रोडक्ट है उसके अंदर इन्वर्ट शुगर होगा। और ये जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है ये है रिड्यूसिंग शुगर, और इसकी वजह से इनहांस करते हैं ब्राउनिंग, जो कि हमने देखा था, जो कि रिएक्शन है बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट एग्जांपल है फॉर एग्जांपल इन्वर्ट शुगर का HFCS, ओके, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, ये इसका एग्जांपल है, जो कि हमें मिलता है कॉर्न सिरप से। तो जब कॉर्न सिरप इन्वर्ट होता है, ओके, तो कॉर्न सिरप जो है इसके अंदर होता है इन्वर्ट शुगर की प्रोसेस। तो इन्वर्ट शुगर यहाँ पर होता क्या है कि कॉर्न सिरप कन्वर्ट जब होता है, सिरप के अंदर यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज जो है इन्वर्ट होता है इनटू द सुक्रोज इनटू द फ्रुक्टोज। ओके, तो ग्लूकोज इज इन्वर्ट इनटू द हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्वीटनेस एंड इन्वर्ट शुगर। यहाँ पर बहुत ज्यादा दिया गया नहीं है आपको, ये जो है मैं जैसे मैंने ऐसा फॉर्म में लिखा, आप इसको टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर सारी स्वीटनेस, उसके बाद में कितने टाइम्स है, ओके, यहाँ पर हीट एंड वाटर जो है सोल्युबल सोल्युबिलिटी आप लिख सकते हो, ओके, और यहाँ पर फिर आप दो ही चीजें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, और तीसरा यहाँ पर इसका जो नाम है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसे कॉलम में अगर आप करोगे तो आप इसे जल्दी याद रख पाओगे। ओके, तो दिस इज अबाउट अ स्वीटनर। अब हम कोई भी केमिकल हो या कोई भी मटेरियल हो, अगर उससे हमें स्वीट सेंसेशन मिल रही है तो उसे हम कहते हैं व्हाट, स्वीटनर। तो दिस इज, और अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि इतने सारे क्या है स्वीटनर्स हैं, अब इनमें से कौन सा स्वीटनर हमें लेना चाहिए, कौन सा स्वीटनर यूज करना चाहिए, अगर इसे हम सिलेक्ट करने जाए तो यहाँ पर दो पॉइंट मेनली हमें याद रखना है। पहला जो कि वो है हमें उससे उसकी जो टेस्ट है वो अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा उसकी टेस्ट होनी चाहिए, ओके, नंबर वन डिजायरेबल टेस्ट, दूसरा वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ओके, और तीसरा जो है इंट्रैक्शन बिटवीन द शुगर जो है उसकी अच्छी होनी चाहिए, वो इंट्रैक्ट होना चाहिए विद द शुगर। इसका यूज क्या होगा अगर हम देखा जाए तो स्वीटनेस का यूज हो रहा है फूड सल्फर प्रोडक्ट के अंदर, मतलब फूड इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रहा है, और इसका यूज जो है वो होता है वेट लूज के लिए, क्योंकि इसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये स्वीट कार्बोहाइड्रेट फ्री है, कोई कैलोरीज नहीं है, बहुत ही कम कैलोरीज है, कैलोरी है ही नहीं इसके अंदर। तीसरी बात, जिसको डायबिटीज है उनके लिए स्वीटनेस जो है वो यूज की जाती है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, तो उनकी ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगी ही नहीं, और वो स्वीट टेस्ट जो है वो उन्हें मिल जाएगी, मतलब उसे उन्हें लगेगा कि वो शुगर खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो जस्ट सेंसेशन है स्वीटनेस का। जैसे कि आपको पता होता है कि मार्केट के अंदर जो मिल रहा है हमें शुगर फ्री या ये जो है, दैट इज नथिंग बट दिस स्वीटनेस। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट, स्वीटनेस